नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय YouTube चैनल गौतम टेक्नोलॉजी। आप सभी का मोटिवेशनल स्पीच में फिर से स्वागत है। आप सभी फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि जैसे आप सभी तरह तरह के मोटिवेशनल स्पीच को सुनते हैं, वैसे ही आप तरह तरह के अगर स्टोरी को भी सुनते हैं तो आप सभी को बहुत ही पसंद आता है। वैसे मैं आप सभी के लिए फिर से एक मोटिवेशनल स्पीच में एक स्टोरी के माध्यम से कुछ ऐसी चीजों के बारे में सीख दूंगा जिससे कि आप सभी को आगे आने वाले भविष्य में या कहीं पे भी आप काम करते समय अगर उस चीज का ध्यान रखें, आप जरूर बहुत दूर तक आगे निकल सकते हैं। तो हमारा आज का इस मोटिवेशनल सेशन में हमारा टॉपिक है आज का सोने की अंडा। आप सभी पहले ही छोटे छोटे बच्चों के बुक में पढ़ चुके होंगे कि जैसे छोटे छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं, कैसे उनको स्टोरी पसंद आती है, कैसे हम उन्हें अगर अपने शब्दों से बताते हैं तब उन्हें कितनी इंटरेस्टिंग लगती है। वैसे ही आज भी मैं आप सभी को अपने इस सेशन में बताऊंगा। तो आप सभी को जैसे बता दूं कि स्टार्ट करते हैं अपने सेशन में कि बहुत समय की बात है कि जैसे एक किसी गांव में मींस जैसे कोई गांव था, उस गांव का नाम था रामपुर। गांव का नाम था, उस गांव में एक छोटे से परिवार में एक आदमी अपना छोटा सा परिवार रखे कैसे भी अपना जी खा रहा था। वह उस परिवार में कौन कौन से लोग रहते थे वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि अगर एक परिवार बनता है तो एक स्त्री और एक पुरुष के वजह से एक फैमिली बनती है। तो वैसे ही उस फैमिली में भी था एक पुरुष और एक स्त्री। उन दोनों पुरुष और स्त्री के माध्यम से कुछ बच्चे पैदा हुए और उस फैमिली में धीरे धीरे करके एक बच्चे और एक बच्ची इस तरह से फैमिली में बढ़ गए। तो तब आप सभी एक बॉयज और एक गर्ल्स वहां पे फैमिली में और एकत्रित हो गए, मीन एक लड़का और एक लड़की उस फैमिली के माध्यम से पैदा हुए। तब उस छोटे से परिवार को अभी जब दो फैमिली थी, मीन एक जेंट्स और एक लेडीज थी, तब उतनी सी परिवार को चलाने में उन्हें बहुत ही परेशानी होती थी। कैसे खाएं, कैसे पिए, कौन सा काम करें कि हम इसके माध्यम से हम अपने पेट को पाल सकें। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ऐसे चलते चलते उनके घर में बताया कि दो लोग और बढ़ गए, मीन्स एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। तब अभी जब दो लोग के तब खर्चा नहीं चल पा रहा था, फिर दो लोग बढ़ने के बाद धीरे धीरे दो लोग और बढ़ गए। तब वह दोनों सोचने लगे कि हम लोग तो कैसे भी नमक रोटी खाकर अपना पेट पाल ले रहे थे, लेकिन अभी हमारे घर में दो बच्चे भी हो गए, अभी इन्हें कैसे हम पालें, कैसे इनको खिलाएं, कैसे इनको पिलाएं, अभी दिक्कत आ गई सारी। अभी तब क्या हुआ, उस छोटी सी परिवार को अभी घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। तब वो स्त्री का जो हस्बैंड था आदमी, वह कहीं जाकर जंगल में या कहीं दूर तक जाकर लकड़ी काट कर लाता था या किसी की मेहनत मजदूरी करता था, कोई भी काम करके क्या करता था, वह अपना पेट धीरे धीरे परिवार को ऐसे जिलाता था। तो क्या किया, ऐसे ही करते करते धीरे धीरे जब वो काम करने लगा तो वह एक दिन कहीं से एक मुर्गी खरीद कर लाया। तो उस मुर्गी को खरीद कर लाया, तब क्या किया, वो पालने लगा धीरे धीरे। जब वो धीरे धीरे पालने लगा तो आप सभी को मालूम ही होगा, जब कहीं पे भी एक
पर्सन फीमेल पर्सन होता है उसके अंग से संतान आगे बढ़ता है। तो वैसे ही उस मुर्गी के साथ भी हुआ, धीरे धीरे उसको पाला पोसा खिलाया पिलाया, जब उसकी उम्र हो गई तब क्या किया उसने, उसकी ये बच्चा हुआ मीन्स उसको मुर्गी अंडा देने लगी। तब मुर्गी जब एक अंडा देने लगी तब दोनों स्त्री और पुरुष सोचे मुर्गी अंडा दे रही है, लेकिन अचानक हुआ क्या, अंडा तो देती थी लेकिन किसकी देती थी ये चीज मालूम होनी चाहिए पहले। अंडा बिकता था नहीं, अंडा भी देता था बाजार में बिकता था, लेकिन अंडा किस चीज का था, सोने का। दोस्तों यही थी मानने वाली बात है, अंडा तरह तरह के लोगों के पास तरह तरह के बाकी होती है, तरह तरह की चीजें मिलती है, मीन्स कोई ये नहीं जानता कि हमारे पास किस रूप में क्या चीज मिलेगा, लेकिन उस चीज के पीछे अगर मेहनत करें तो जरूर वो कहीं ना कहीं हासिल हो जाता है। तो वैसे ही वो भी इतने दिन से पाला पोसा और उसको खिलाया पिलाया, तो धीरे धीरे जब उसकी मेहनत की फल रंग लाई तो रंग कौन दिया, उस मुर्गी ने रंग दिया। क्यों दिया रंग, क्योंकि वो एक सोने की अंडा देती थी, इसलिए जब वह सोने की अंडा दिन प्रतिदिन एक एक अंडे देती थी और उस अंडे को बाजार में ले जाकर वो बेचता था तब उसकी जीवन अच्छे से यापन होने लगा, मीन्स वह अपना घर बार अच्छे से चलाने लगा और उसकी फैमिली में खुशहाली आने लगी। तब ऐसे धीरे धीरे कुछ दिन चलते गया, उसकी औरत भी सोची ये रोज एक एक अंडा सोने की देती है, इसके पेट में न जाने कितने सारे अंडे सोने के भरे। तब क्या हुआ, उसकी बीवी के मन में क्या हुआ, लालच पैदा हो गया। बस दोस्तों यहीं पे उसकी कहानी क्या होती है। अब जब आप सभी भी समझ जाएं कि जब आपके मन में थोड़ी सी भी अगर लालच कहीं पैदा हो जाती है तो वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, इसीलिए सब लोग लालच करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन उस चीज की ज्यादा दिन तक उसकी यूज नहीं कर पाते। वैसे ही वह स्त्री ने भी किया और उस चीज को वह धीरे धीरे जब उसे यूज करने लगी तब वो क्या की, अब वो सोची मन में लालच बैठ गया कि इस अंडे अगर डेली एक एक देती है तो क्यों ना हम इस मुर्गी के पेट को अगर हम काट दें, हमें एक ही दिन में जितने अंडे होंगे पूरे मिल जाएंगे और हमें एक ही पास हम धनवान बन जाएंगे, हमें सारे अंडे एक ही बार मिल जाएंगे और सारे अंडों को एक ही बार हम ले जाकर मार्केट में बेच देंगे तो हमें इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह के वो लेडीज ने काम किया। तो होना क्या था, जो उसको डेली के एक ही अंडे मिलते थे उसको वो भी मिलना बंद हो गया। जब आप सभी जानते हैं जब किसी के अंदर जान रहती है, जीव रहता है, तब वह कुछ न कुछ वह लोगों को देता है और कुछ हमें उसे मिलता है और हम कुछ उसे देते हैं। तो जब उसके अंदर जान ही न रही वो कहां से अंडा देगी और उसके अंदर कहां से अंडा आएगा। तो जो हुआ क्या, जो मिलना था वो भी बंद हो गया, जो मिलता था वो भी बंद हो गया। इसके लिए लोग कहते हैं लालच बुरी बला है। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दोस्तों काम करो मेहनत करो लेकिन ईमानदारी से करो, लालच मत करो। आप एक पैसा कमाते हो चार पैसा कमाते हो लेकिन मेहनत से करोगे तो ज्यादा दिन तक खाओगे, ज्यादा दिन तक आपकी रंग लाएगी, लेकिन अगर वही लालच और चोरी करके खाते हो तो आपकी मेहनत पानी की पानी हो जाती है और वहीं पे आपकी मेहनत सब खत्म हो जाती है। तो इस कहानी को यही मैं समाप्त करता हूँ।